बड़वा में तीन स्थानों में पुलिस ने बड़ी मात्रा में 9 क्विंटल 45 किलो नौसादार जब्त की गई है। उपयोग के लिए प्रतिबंधित नौसादार का कच्ची शराब निर्माण में उपयोग की आशंका बताई जा रही है। बीते सप्ताह बिहार में जहरीली शराब पीकर कई लोगों की मौत हो गई थी। इससे सबक लेकर एसपी ने भी जहरीली कच्ची शराब को लेकर अभियान शुरू किया है। हाल ही में खरगोन जिले के करही और भिकनगांव से कच्ची शराब के निर्माण में उपयोग होने वाले प्राणघातक नौसादर को जब्त किया था। इसी तारतम्य में शुक्रवार को बड़वा के काटकोट क्षेत्र में किराना दुकानों में पुलिस ने बड़ी मात्रा में नौसादर जब्त किया है। पुलिस को आशंका है कि बिक्री के लिए प्रतिबंधित इतनी मात्रा में मिले नौसादर का उपयोग कच्ची शराब बनाने में किया जा रहा हो, लेकिन किराना दुकानों से जब्त किए गए करीब 9 क्विंटल 45 किलो नौसादर की कुल कीमत करीब 21,000 रुपए बताई जा रही है। दिनांक 22/11/22 को माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय खरगोन के आदेश से जिले में नौसादर का बगैर अनुज्ञप्ति क्रय विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। इसी के क्रम में आज हमने बबलू पिता अमृतलाल जायसवाल निवासी खमकी बारूल इनको पकड़ा तो इनके कब्जे से एक पेटी नौसादर जो करीब 23 किलो था वो बरामद हुआ। जब इनसे पूछताछ की गई कि ये इनका सोर्स क्या है तो इन्होंने बताया था कि ये रमेश पिता सहदेव जायसवाल और विजय पिता बंसीलाल जायसवाल निवासी काटकूट से लाते थे। जब हमने वहाँ इनको रेट की गई तो दोनों के पास में कुल हमको 9 क्विंटल और 20 किलो नौसादर बरामद हुआ। इस प्रकार हमने टोटल 9 क्विंटल और 45 किलो नौसादर को बरामद किया है, जो कुल कीमती करीब 21,000 रुपये का है। कितना प्राणघातक है ये? इसको कई बार इसको अवैध शराब बनाने वाले इसको अधिक नशा के लिए उसमें शराब को शराब में बनाने में उपयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और जहरीली होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।